हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव पे, और मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। सो भैया, आज हम आ गए कहाँ पे? तो हम हैं मलाड में। अब मलाड में कहाँ पे, तो मुझे पता चला यहाँ पे खाऊ गली है, तो क्यों ना चल के खाऊ गली को कवर किया जाए। अब आ तो गया आप खाऊ गली, शायद मेरे पीछे देखते भी होंगे, बट सीन ये हो गया कि मैंने सोचा था खाऊ गली तो इतनी बड़ी होगी, पर खाऊ गली काफ़ी छोटी निकली। पर मुझे ऐसा पता चला सूत्रों से मालूम पड़ा कि अभी शाम को और गर्दी होती है। हम बहुत जल्दी आ गए, शायद अभी तक 3 बज रहा है, बट ठीक है, हम एक दो चीज़ें डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला, तो एक दो चीज़ें ट्राई करेंगे और फिर कहीं और पे जाके कुछ हो सका तो ट्राई करेंगे। तो खाऊ गली है, प्लस खास बात यह कि वेज। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहे कि वीडियो कब आ रही है, कैसी आ रही है और क्या आ रही है। ठीक है, तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। तो हमने जो पहला अपना ऑर्डर दिया है इस खाओ गली में मलाड के, वो हमने दिया है एक कॉम्बो राइस, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बनते हुए तो आपने देख ही लिया है और काफ़ी यमी है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वेज है और इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो ये हाफ है, अगर आप फुल लेते हैं तो 140 का होता है। तो मैंने बोला आप खाओ गली जब आ ही गए तो खाली हाथ जाना तो बेवकूफ़ी होगी, तो बोले कुछ ना कुछ क्यों ना ट्राई करें, तो ये करने जा रहे हैं हम खा के। फर्स्ट बाइट लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा, तो आइए फर्स्ट बाइट लेंगे। मंचूरियन और राइस, जैसे आप किसी चाइनीज कॉर्नर में जाके खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करना है। मंचूरियन काफ़ी क्रिस्पी है और राइस का एकदम फ्राइड राइस का टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आप किसी कॉर्नर पर जाते हैं। तो पैसा वसूल है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी लगा कि हाफ है, बट ठीक है, चलो 100 रुपया खाऊ गली है, अगर इतना भी नहीं किया तो क्या किया। तो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार है, और बनते हुए तो आपने देखा ही। ओके, तो अभी हमने फ्राइड राइस तो अपना ख़त्म कर ही लिया है, इसके साथ साथ इस खाऊ गली में एक दो चीज़ें और भी बहुत फेमस है, जो कि उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर आप आ ही गए हो तो एक दो चीज़ें और शूट कर सकते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना कर ले। तो हमारे सामने ये सदगुरु फ्रैंकी वाला, तो चलिए ट्राई करते सदगुरु जी का फ्रैंकी और कैसा आपको बताते हैं। तो हमारी फ्रैंकी हो रही है तैयार, और फ्रैंकी का नाम है मंचूरियन नूडल्स विथ चीज़। तो कुछ नया कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है, बहुत बार मैं सोचता हूँ कि वेज में कुछ नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे वेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है इस खाओ गली में। खा के आपको बताते कि कैसा लगता है।
थैंक यू। सो ये जो फ्रैंकी और इतनी लोडेड फ्रैंकी है जो आपने देखी और ये पूरी तरीके से वेज है, एक्चुअली ये खाऊ गली ही वेज है, पर मैं आपको बता दूं यार देखने के बाद तो लगा कि क्या बात है, मतलब कुछ अलग था, इतना लोडेड और मंचूरियन प्लस नूडल्स तो काफ़ी अलग ही कॉम्बिनेशन है, और प्राइस सिर्फ 70 रुपीज़ है। तो कभी आपका आना हुआ तो सर जी का ज़रूर विज़िट कीजिएगा सदगुरु। अभी मैं खा के भी बताऊंगा कि आपको कैसा लग रहा है, पहले ही बोल देना शायद गलत होगा। ये देखिए स्पाइसी है, नूडल्स का फ्लेवर, मंचूरियन का फ्लेवर, और चीज़ तो भैया ऐसी बारिश हुई, बारिश बारिश के मौसम में चीज़ की बारिश, तो मज़ा आ गया खा के। और 70 रुपये में और चाहिए भी क्या। हुआ यूँ कि मैं आया था कुछ और शूट करने के लिए, बट अभी भी यहाँ पे तैयारी चालू है, इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे में आइटम है, बट मुझे लगता है इसको शुरू होने में शाम हो जाएगी। और अभी कुछ बज रहा है, एक सेकेंड, कुछ 3:30 यानी लगभग 3:35 समझ लो। तो इस 3:35 के बीच में बोला इतने टाइम तक आपको दिखाओ क्या, तो मैंने लिया है फिरनी, और वैसे भी शायद फिरनी अगर आपको शायद सुन के अजीब लगे, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ फिरनी। सो खा के देखते कि ये कैसा है। प्राइस 35 रुपीज़ है, जहाँ पे मैं बाकी की चीज़ें खाने आता वहीं पे ये भी मिल रही है, तो ट्राई करते हैं। ओह ये देखिए, ये शायद फ्रिज में रखे रखे ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है, सो हम ऐसे खाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा है, मेरे को लग रहा है फिरने से ज़्यादा टेस्ट इसका आ रहा है, जो इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट इसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है। अरे थैंक यू सर, नई चम्मच भी आ गई, काफ़ी बढ़िया। 35 रुपीज़ मेरे लिए कुछ नया टेस्ट था, मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया था, मुझे बढ़िया लगा, मतलब ओके है मेरे लिए, ओके। ये मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से, लोग बहुत ज़्यादा लवर होते हैं, पर मेरे लिए ओके है। तो अगर मुझे कुछ और शूट करने मिला तो शूट करेंगे, वरना इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मलाड मेरे को लगता है एक्सप्लोर करने के लिए मुझे दोबारा आना ही पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा अभी बताता हूँ कुछ और शूट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं। ओके यार, तो अभी हुआ यू कि ये जो नाम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अरसलान शर्मा, इसका नाम बहुत सुना था और मुझे खाना भी था और एक्चुअली शूट भी करना था, बट मुझे लगता है कि इन्होंने अभी फिलहाल टेक अवे रखा हुआ है, तो हम टेक अवे लेंगे और खा के देखिए। रिव्यू जानने से मतलब है, मुझे खुद को खाना था कि इसका टेस्ट कैसा है, तो एक ऑर्डर करते हैं, लेते हैं, खाते और देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में जितना रिव्यू है उस हिसाब से है या नहीं, तो खा के आपको बताता, तो ऑर्डर करता मैं, मेरा लाइन पे बने रहिए। अपना ये बंद है, मतलब ओपन नहीं करते क्या, सिर्फ टेक अवे ही रखते। शॉर्मा आ चुकी है और हमने बात भी किया ओनर से एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ सेटअप वगैरह हो रहा है, बट सेटअप हो जाएगा तो बोले कि आप आ सकते हो शूट के लिए, पर मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोला क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए। अगर आप इसे देखते हो ना, ये 116 रुपये का और आधा किलो तो रहेगा, हाफ के जी तो रहेगा लग रहा है, बहुत ही हैवी है। मैं काश आपको अंदर से उनका वो दिखा पाता कि उनके शॉर्मे की साइज़ क्या है, फिर भी मैंने थोड़ा सा ले लिया शॉट, आई होप कि मैं वो डाल पाऊँ, तो मज़ा ही आने वाला है। मतलब ये है रुमाली शॉर्मा, 116 रुपये का पड़ा है, अब खाने के बाद बताऊंगा कि ये कैसा है। काफ़ी मतलब बोलते ना, काफ़ी वज़न है और एकदम तो ऐसा लग रहा है नहीं भरा हुआ है, आई होप कि ये उतना ही टेस्टी हो। सो मैं फर्स्ट बाइट लेने जा रहा हूँ, फुल एक्साइटेड हूँ, आइए फर्स्ट बाइट लेते हैं। भाई साहब, भाई साहब क्या यार ये इतना टेस्टी कैसे हो सकता है, 10 out of 10 दे दिया फर्स्ट बाइट में, मतलब क्या है,
बहुत ही ज्यादा यम्मी है, देखिए पूरा लोडेड। बहुत ज्यादा लोडेड है यार, बहुत ज्यादा टेस्टी है। मेयोनीज और चिकन ना तो भर जा रहा है मुंह, इतना क्या टेस्टी बना दिया भाई। यार मैं तो ऐसे ही सिर्फ आ गया था सिर्फ चेक करने के लिए, पर सच बता रहा हूँ मेरी सेकंड फेवरेट प्लेस हो जाएगी अब शॉर्मा के लिए। एक आपको पता है मुझे कुर्रा वाला पसंद आता है, सेकंड ये चुम्मा है यार। सर जी, सर जी वाकई में बहुत ही बहुत मतलब बहुत टेस्टी है ये, मैं सेकंड टाइम ऐसा कोई शोरमा खा रहा हूँ कुर्ला के बाद, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। किफायती है, पूरा किफायती है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, बहुत तारीफ कर लिया हूँ, मेरे को पेट वगैरह कुछ नहीं था, बहुत टेस्टी था। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि और भी वीडियो हम लाते रहें। और मैंने जैसे कि कहा था अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम अपने वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ढेर सारा लाइक, और नए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार एक ही चीज़ बोलने क्यों लगाते हैं क्या बताओ, शेयर करने में कुछ हो जाता है क्या, पैसा जाता है क्या, पैसा जाता है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, बाय बाय, टेक केयर।